अगर हमको यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आगे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस वाले मारी ना, लातें लात पेट में मारी, हमारे भैया का पेट फटो है एसीटी वाले। मिट्टी अभी नहीं होगी, जब तक का इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक का मिट्टी नहीं होगी। हमारे जान के बदले जान, जिसने भी ये किया उसको भाई कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए भाई। हमें इंसाफ के मुकदमा चाहिए, फांसी चाहिए उनका। उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में मोहल्ला नाजीरपुरा दक्षिणी निवासी एक युवक 3 अक्टूबर को जुआ खेलते पकड़ा गया था, जिसकी लखनऊ में इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई। परिवार के लोग एसओजी टीम पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग को लेकर घर के सामने ही प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना केस दर्ज किए शव का अंतिम संस्कार न करने की भी बात कह रहे हैं। बता दें कि कोतवाली नगर इलाके के नाजीरापुरा में जिला पंचायत सदस्य की बेकरी में चल रहे जुए को एसपी द्वारा गठित टीम ने पकड़ा था। मौके से जिला पंचायत सदस्य की पत्नी सहित 12 जुआरी गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने 3 अक्टूबर को गुदड़ी मोहल्ला निवासी हनीफ उर्फ शानू समेत 12 लोगों को नाजीरपुरा में जिला पंचायत सदस्य चुन्नू उर्फ बोगे की फैक्ट्री में जुआ खेलते समय पकड़ा था। शुक्रवार को उसकी जमानत होने के बाद हालत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ स्थित अस्पताल ले जाया गया। वहीं सोमवार की सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गुदड़ी मोहल्ले में चर्चा है कि पुलिस हिरासत में उसकी पिटाई हुई थी, जिसके चलते हाथ टूट गया था और पेट में अंदरूनी चोटें आई थी। हालत बिगड़ने पर परिजन लखनऊ लेकर गए थे, जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि हनीफ उर्फ शानू किराए पर वाहन चलवाकर परिवार का भरण पोषण करता था। मौत से माँ नफीसा, पिता नसीम, पत्नी दीपिका का रो रो कर बुरा हाल है। मंगलवार को शव लेकर परिवार के लोग घर पहुंचे थे और एसओजी टीम पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। देखो भाई, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, जुमे रात की रात के जो कुछ भी हुआ है, एसओजी वालों ने जो कुछ भी किया है, उनसे हमको इंसाफ चाहिए। अगर हमको यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आगे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। हम भाई भाई हैं, इनके छोटे भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। ठीक है, हम इकलौते बच्चे हैं भाई, मेरे घर में कोई नहीं है। ठीक है भाई, हमको इंसाफ चाहिए। उसके बाड़ी आ गए, मिट्टी अभी नहीं होगी, जब तक का इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक का मिट्टी नहीं होगी। अगर हमारी मांग यही है, जिसने भी ये किया उसको भाई कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए भाई, उसको 300 की सजा मिलना चाहिए। और हमको उपाय यार उनके पास करवाना भाई, वो हम लोग कहते लिखवाने लिखा नहीं गया है। वो शायद 11-12 लोग मारे गए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हमारे भाई को मारा है। तो कोई जुआ खेलना तो कोई बड़ी बात नहीं, तो जुआ खेलने में आप किसी को मार दोगे? हमें इंसाफ मारिन हमरे भैया का, हमारा भैया पुलिस वाले मारिन, लातें लात पेट में मारिन, हमारे भैया का पेट फटो है एसयूजी वाले मारिन, हमारे भैया का पेट फट गवा, हमारे भैया चले गवा। तो हमें तीन सौ दो मुकदमा चाहिए, फांसी चाहिए उनका, और उनका चाहिए पुलिस वाले का। अरे जुआ भैया, जुआ खेलत रहा कोई सजा ना रहा, जुआ खेलत रहा कोई कहता ना मारे था कि कौन ऐसी अक्कत रहा हमरे बच्चे के साथ में निकाले पुलिस वाले। अरे हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे जान के बदले जान। अगर तीन से हम दो मुकदमा चाहिए, सस्पेंड कर दो भैया। हाँ हाँ हाँ, बच्चे ना रहा। हाँ, शादी हो गई, बीबी है उसकी बीबी। बिना केस दर्ज किए शव का अंतिम संस्कार न करने की भी बात कह रहे हैं। वही मोहल्ले में शाम को नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने मांग मानते हुए ज्ञापन भी दिया। इसके बाद भी परिजन ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उधर सुरक्षा को देखते हुए लगभग 15 थानों की पुलिस पोस्ट मौके पर तैनात है। इस मामले में एसपी वीरेंद्र शुक्ला ने बताया कि पुलिस पिटाई के चलते मौत होने की बात निराधार है। सभी आरोपियों को पुलिस लाइन में रखा गया था, दबिश के दौरान 15 फीट ऊंचाई से कूदने के चलते चोट लगी थी। जिला पंचायत सदस्य उनकी पत्नी और शानू पर हत्या का केस भी दर्ज है। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। इसमें जो है कि एक व्यक्ति की डेथ हुई है, जिसका शव रखा गया है, जिसमें इन्होंने जांच करके उचित कार्यवाही करने हेतु हमारे पास ज्ञापन दिया गया है। इसके लिए हम एसपी मैम से भी अनुरोध और ये पत्र वहाँ पर जाएगा कि उचित जांच के लिए कार्यवाही। क्या मांग है इनकी, मतलब किस लिए शव रोके थे, ये मांग क्या है?
कौन से दोषी लोग जिन पर कार्रवाई की इसमें काफी लोगों को इन्होंने दोषी बनाया हुआ है, लेकिन उस पे जो है कि पूरी प्रॉपर जांच होने के बाद उचित कार्यवाही इसकी अभी पूर्णतया जो है कि जांच होने के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है। नहीं, जांच की बात आई है। क्या आश्वासन दिया गया? होगी मिट्टी? हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी।